दोस्तों आपका स्वागत है आपके चैनल टी टी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूं अमित अशोक अकेडमी और दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन कबड्डी मैच के बारे में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी टीम के लिए कौन से प्लेयर को पिक करना है और कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ ही साथ में आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताने वाला हूं। और दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 पर भी टीम प्रोवाइड करवाने वाला हूं, लेकिन जो फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पर मिल सकेगी। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए दोस्तों, जहाँ पर आपके साथ 1200 प्लस बंदे जुड़ चुके हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि किस टीम ने कितने मैच प्ले किए हैं, कितने मैच हारे, कितने मैच जीते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अमित अशोक अकेडमी के बारे में, तो अमित अशोक अकेडमी ने अभी तक 6 मैच प्ले कर लिए, जहां पर 5 में विन और 1 में लॉस का सामना किया है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी टीम है, इनका रेशियो भी काफ़ी अच्छा खासा है। और वही बात जाए दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन के बारे में, तो इन्होंने भी अभी तक 6 मैच प्ले कर लिए हैं, जहाँ पर 4 में विन और 2 में लॉस का सामना किया है। तो दोस्तों ये टीम भी काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है, इसी कारण हमारे इस मैच में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है पॉइंट सिस्टम को लेकर, क्योंकि आप 7 प्लेयर चूज करते हैं आपको 16 पॉइंट्स के भी प्लेयर मिल जाएंगे, इसलिए हम सभी अच्छे अच्छे प्लेयर को चूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करें कि जो जील है वो 5 लाख रुपए की आती है, लेकिन दोस्तों इस मैच में 10 लाख रुपए की जील दे दी गई है। शायद दोस्तों को काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है कबड्डी के मैचों में, तो आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों वैसे आप 5 लाख रुपए आती है तो मैं आपको एसएल की टीम प्रोवाइड करवाता हूँ टेलीग्राम पर, लेकिन दोस्तों मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको जीएल की 20 टीमें प्रोवाइड करवाऊँ टेलीग्राम पर। 20 टीमें कोई छोटी बात नहीं होती है दोस्तों, 20 टीमें बनाना आप खुद समझ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपको 20 टीमें प्रोवाइड करवाऊँ। अगर आप इस वीडियो में काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, अगर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा जाता है, तो मैं आपको कन्फर्म इसकी 20 टीमें प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर दोस्तों आपको क्या कहते हैं रिस्पॉन्स अच्छा खासा नहीं रहा, तो मैं आपको स्मॉल लीग की सिर्फ एक ही टीम प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम पर। बाकी दोस्तों रिस्पॉन्स पर बात है, अगर आप इस वीडियो पे 15 लाइक कर देते हैं तो मैं आपको कन्फर्म दोस्तों जेल की वीडियो विन जेल के लिए 20 की 20 टीमें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 20 टीमों में आप 33 रुपये इन्वेस्ट करें तो आपको 660 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और दोस्तों अगर आप 20 टीमें लगाएंगे, मेरे द्वारा दी गई 20 टीमें लगाएंगे, तो आपको दोस्तों मैं कन्फर्म यहाँ तक पोजीशन ला के दिखा दूंगा। यहाँ तक नहीं तो दोस्तों टॉप 68 में आपकी कन्फर्म पोजीशन आएगी ही आएगी। और दोस्तों एक टीम होगी यहाँ पर, अब पीछे भी 19 टीम बचेंगी, वो भी अच्छा खासा विन कन्फर्म करेगी ही करेगी। तो दोस्तों अब बात की जाए टीम के बारे में, तो आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं आपको 20 टीमें प्रोवाइड कराऊँ टेलीग्राम पर, तो आप मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखा दी इस वीडियो पर। हम इस वीडियो पर 15 प्लस लाइक्स का एम रखते हैं, अगर आप 15 लाइक कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको कन्फर्म दोस्तों 20 टीमें प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाया है, वैसे दोस्तों 5 और 2 का कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं, लेकिन दोनों ही टीम काफ़ी अच्छी खासी टीम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाया है, लेकिन आपको टेलीग्राम पर 5 और 2 के कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी टीम में कौन से डिफेंडर, कौन से ऑलराउंडर और कौन से डायरेक्टर को चूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों डिफेंडर के बारे में, तो डिफेंडर के बारे में सबसे पहले हमारे पास आते हैं अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा प्लेयर है, 39 पॉइंट 23 पॉइंट 25 पॉइंट 14 पॉइंट 28 पॉइंट और 24 पॉइंट। तो दोस्तों आप इनको अपनी टीम में जरूर रखना है, पिछले ही मैच में आप चेकआउट मार सकते हैं, 3 सक्सेसफुल टैकल किए हैं। दोस्तों हमें ऐसे प्लेयर की जरूरत पड़ने वाली अच्छा खासा विन करने के लिए, तो मैंने अक्षय कुमार को अपनी टीम में एज अ डिफेंडर उठा लिया है। वहीं बात करें हरदीप के बारे में, तो पिछले दोनों ही मैचों में काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस में है ये बंदा, आप चेकआउट मार सकते हैं। पिछले ही मैच में 6 सक्सेसफुल टैकल किए थे। तो दोस्तों मैं इनको अपनी टीम में जरूर रखूंगा। बाकी दोस्तों टीम रहती है स्टैट के ऊपर, जो आज रात को मैं निकालने वाला हूं, और उसी स्टैट से मैं आपको टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। और वही बात की जाए राजेश के बारे में, यानी कि मोहित राजेश के बारे में, तो पिछले मैच में आप चेकआउट मार सकते हैं, इन्होंने 3 सक्सेसफुल टैकल किए थे। तो दोस्तों हम ऐसे ही प्लेयर को उठाएंगे जो हमें अच्छा खासा विन करवा सके। तो मैंने यहाँ पर 3 डिफेंडर को उठाया है जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब बात की जाए ऑलराउंडर के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन होने वाले हैं, प्रतीक दैया और अंकित। तो आप दोनों को अपनी टीम के लिए उठा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर पॉइंट सिस्टम की थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, इसलिए मैंने प्रतीक दैया को उठाया है अपनी टीम के लिए। आप चेकआउट मार सकते हैं, फर्स्ट मैच में फ्लॉप था दोस्तों ये बंदा, लेकिन सेकंड मैच खतरनाक। और दोस्तों आप थर्ड मैच में चेकआउट कीजिए 146 पॉइंट। दोस्तों 20-20 मिनट के दो हाफों में कोई 146 पॉइंट कैसे कवर कर सकता है? क्रिकेट के मैचों में दोस्तों आपको 146 पॉइंट काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, वहीं पर ये बंदा कबड्डी में 140 पॉइंट दिखा रहा है। उसके बाद टीम से ड्रॉप थे 64 और 66 पॉइंट, तो काफ़ी अच्छा खासा प्लेयर दोस्तों आप देखें 15 सक्सेसफुल रेड किए हैं। तो मैं ऐसे ही प्लेयर की जरूरत पड़ने वाली अच्छा खासा विन करने के लिए, आपको प्रतीक दैया को अपनी टीम में जरूर रखना है। तो कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन आप इनको जरूर रखने वाले हैं, मैं दोस्तों इन्हें कैप्टन या वॉइस कैप्टन जरूर बनाऊंगा। अगर मैं आपको 20 टीमें प्रोवाइड करूँगा तो कम से कम 3 से 4 टीमों में इनको कैप्टन जरूर रखूँगा, और 1 से 2 टीमों में वॉइस कैप्टन, क्योंकि मुझे अच्छा खासा विन भी करना है और मेरे पास 7 प्लेयर होने वाले हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात आसू मलिक,
आसू मलिक को दोस्तों आप प्रतीक दहिया को टीम से ड्रॉप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं प्रतीक दहिया को, लेकिन दोस्तों आसू मलिक को अपनी टीम में आपको जरूर रखना है, क्योंकि ये बंदा काफ़ी अच्छे खासी फॉर्म में है। वो बंदा तो एक मैच में फ्लॉप भी था, लेकिन ये अभी तक एक भी मैच में फ्लॉप नहीं हुआ है, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा ही रखिएगा। आप देख सकते हैं पिछले ही मैच में इन्होंने 10 सक्सेसफुल रेड किए थे और 2 रेड बोनस भी लेके आए थे, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर रखना ही रखना है। वही बात करें दोस्तों दीपक नासूडा के साहिल कुमार के बारे में, तो पिछले मैच में आप देख सकते हैं सक्सेसफुल 5 रेड की है, तो काफ़ी अच्छा सा प्लेयर है दोस्तों साहिल कुमार भी, तो आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं बात करें रणवीर के बारे में, तो रणवीर ने भी पिछले मैच में काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस दिखाया था, और यार फर्स्ट मैच में ही परफॉर्मेंस दिखाया था, उसके बाद 21 पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है, उसके बाद टीम से ड्रॉप थे, उसके बाद भी अच्छा खासा पॉइंट है, उनके बाद ठीक ठाक प्लेयर हैं, उसके बाद भी तो काफ़ी खतरनाक 44 पॉइंट ले लिए हैं, जहाँ पर 6 सक्सेसफुल दोस्तों रेड की और 6 सक्सेसफुल रेड बोनस लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं आपको स्टेट के बारे में बताया कि किस प्लेयर को आपको अपनी टीम के लिए उठाना है, बाकी दोस्तों मैं आपको 20 टीमें प्रोवाइड करवा दूंगा, आपके रिस्पांस के ऊपर होगा दोस्तों। अगर आप 50 रिस्पांस दिखाते हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए दोस्तों, आपको दोस्तों को दिखा दीजिए। मुझे नहीं पता दोस्तों इस पर वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं आपको 20 टीमें प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम पर, या अगर अच्छा रिस्पांस आप नहीं देते हैं तो मैं आपको स्मॉल लीग की एक टीम प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। तो दोस्तों बात की जाए सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा कैप्टन और वॉइस कैप्टन के बारे में, आप अपनी कबड्डी टीम के 7 प्लेयर तो उठा सकते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर उठा सकते हैं, बेसबॉल में 9 प्लेयर उठा सकते हैं, हॉकी में 11 प्लेयर उठा सकते हैं, फुटबॉल में भी 11 प्लेयर उठा सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कैप्टन और वॉइस कैप्टन के बारे में। तो दोस्तों कैप्टन मैंने आसू मलिक को और वॉइस कैप्टन मैंने प्रतीक दहिया को रखा है, तो आपको ऐसे ही कैप्टन वॉइस कैप्टन रखने हैं जो अच्छी काफ़ी अच्छी खासी फॉर्म में हो, जो मैं अच्छा खासा विन भी करवा सके। तो मैंने कैप्टन आसू मलिक को और वॉइस कैप्टन प्रतीक दहिया को ट्राई किया है, तो हम टीम को सेव करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कबड्डी के सेवन कबड्डी स्टेटस के काफ़ी ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जा सकती है, आप ये बात खुद समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।